कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। पुण्य के फल से पापलेशा जागृत हो, वह पुण्य पापानुबंधी। पुण्य पापानुबंधी अर्थात पुण्य बेचकर पाप को खरीदने का कार्य। पापानुबंधी के दो प्रकार। पहला प्रकार कि यह मत भूलें कि जीवन में सुख सुविधा मात्र पुण्य से ही प्राप्त होती है। पुण्य रूप संपत्ति देने से ही धन आदि सुख सुविधा मिल सकती है, किंतु किस प्रकार यह सुख प्राप्त किए हैं? असत्य, अनीति, विश्वासघात, घोर जीव हिंसा आदि भरपूर व्यापार से, तो वह पुण्य पापानुबंधी है। पुण्य तो बेचते गए, किंतु दुष्कृत्य के आचरण से पाप खरीदते गए, यह पापानुबंधी का एक प्रकार है। पापानुबंधी का दूसरा प्रकार यह है कि शायद न्याय नीति से व्यापार करके धन उपार्जित किया, परंतु अब उस धन संपत्ति पर लेशा कैसी रहती है? अभिमान की, व्यापार वृद्धि के लोभ की, विषय सेवन की, महारंभ समारंभ की आदि लेशा या संग्रह करके धन पर भारी ममत्व करने की लेशा रहती है, तो यह भी पुण्य पापानुबंधी है। इस प्रकार पुण्य का उदय करने हेतु भयावह पाप लेशिया और जैन को शुभास्पद ना हो ऐसा पाप कार्य जारी हो, वह पुण्य पापानुबंधी। पुण्य का उदय होने के पश्चात उसके फलस्वरूप पाप लेशिया बढ़ती ही रहे, तो वह भी पुण्य पापानुबंधी गिना जाता है। सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।